Hello students, today we are going to discuss about human health and disease. ये most important topic है, NEET और AIIMS के लिए तो बहुत ही important point है, उन students के लिए जो biology पढ़ते हैं उनके लिए तो और ही ज़्यादा important है. तो इसमें आप ही देखिए कि क्या होता है इस topic में. बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम ऑर्गन ये सब मिलके काम करते हैं, तो आखिर इनको कैसे बैलेंस किया जाता है, इनको कैसे इन्फ्लुएंस में रखा जाता है. तो इससे रिलेटेड जो इनिशियल कंसेप्ट थे वो और बाद में इसके बारे में क्या दिया गया, तो वी डिस्कस इन दिस चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. Now next topic, human health and disease. इसमें दोनों की बात आ रही है, health और disease. अब जो health और disease है ये आखिर क्या है, इसको लेके अपन बात करते हैं. तो सबसे पहले देखिए, कोई भी human body है for example, इसको simple अपन देख के चलते हैं, ये human body है okay? या थोड़ा सा अपन इसको इस वे में भी देख सकते हैं. ये मान लीजिए कोई ह्यूमन बॉडी है ओके, और इस ह्यूमन बॉडी में देखें तो क्या क्या है वो देखिए जरा. बॉडी दो रिलेशन होते हैं, माइंड एंड बॉडी. तो सबसे पहले जो थ्योरी इसमें आई थी वो थी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस. गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ये देखिए इसमें क्या कहा गया. इसमें कहा गया कि जो ब्रेन है, मींस ये ब्रेन है ठीक है, बाकी डिस्कस अपन बाद में करेंगे डिटेल अबाउट द ब्रेन. मींस इनिशियली ब्रेन मींस इसको माइंड कहा गया. माइंड एंड बॉडी, ये बॉडी है इसमें अपन बात करके देखते हैं. तो माइंड एंड बॉडी, इन माइंड एंड बॉडी में जो बैलेंस है इन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, ये जो बैलेंस है इनके अंदर, बैलेंस्ड बाय अब किसके द्वारा. देखिए बॉडी का कंट्रोल इनिशियल स्टेटमेंट थे ये, जिसमें माइंड का और बॉडी का जो बैलेंस है वो बैलेंस किसके थ्रू हुआ, तो ये बैलेंस्ड बाय ह्यूमर. यहाँ पर ह्यूमर वर्ड यूज हुआ, ह्यूमर. ह्यूमर मीन्स एक्चुअल में इसका वर्ड मीन होता है फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड. बॉडी फ्लूइड इज इक्वल टू ह्यूमर. मीन्स इनिशियली तो इतना ही था कि जो माइंड है बॉडी है इनका जो बैलेंस है, आपस में कोऑर्डिनेशन है, वो बाय द फ्लूइड के द्वारा होता है, ह्यूमर के द्वारा होता है, इनिशियल कंसेप्ट था. और ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी, इसमें जो इंडियन आयुर्वेदा और दूसरा इसी में हिप्पोक्रेट्स, ये इनिशियल एक्चुअल में कंसेप्ट थे. देखिए ये क्या कहते हैं, इंडियन आयुर्वेदा भी यही बात कहता है कि जो माइंड है जिसके अंदर ब्रेन है, दूसरा बॉडी है, तो बॉडी के अंदर अपन देखते हैं बहुत सारे क्या हैं, ऑर्गन है. देखिए यहाँ पर अपन देखते हैं तो हार्ट है ठीक है, इसके अलावा हार्ट से ब्लड पंप हुआ तो इसकी पंपिंग किसको जाता है, ब्लड एक तरफ जाता है ब्रेन को, दूसरी तरफ जाता है सिस्टम को. तो बॉडी के अंदर
बॉडी के अंदर जो फ्लूइड पार्ट है, ये जो फ्लूइड पार्ट था दिस वन इज द ब्लड और एक और लिम्फ। ब्लड एंड लिम्फ बोथ आर द फ्लूइड पार्ट, इन्हीं को क्या नाम दिया गया, ह्यूमर। तो जो इंडियन आयुर्वेदा है और हिप्पोक्रेट्स, इंडियन आयुर्वेदा एंड हिप्पोक्रेट्स, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई जो इसमें टर्म देखिए, एक्चुअल में ये जो सारा इंट्रोडक्शन अबाउट द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो इसमें एनसीईआरटी कंसेप्ट भी इंक्लूड है, आपका जो पहला पेज है। तो इंडियन आयुर्वेदा एंड हिप्पोक्रेट्स, इन्होंने जो कंसेप्ट दिया, इन्होंने कहा कि जो बाइल ब्लैक है, बाइल ब्लैक इज इक्वल टू हॉट पर्सनैलिटी, हॉट पर्सनैलिटी से रिलेटेड वर्ड यूज किया इन्होंने बाइल ब्लैक। और ह्यूमर का जो वर्ड था, ह्यूमर मीन्स बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड हुआ। अब बाद में यहाँ पर ये इनिशियल कंसेप्ट था जिसमें गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस की बात हुई। सेकेंड इसमें देखें तो विलियम हार्वे, जो सेकेंड साइंटिस्ट विलियम हार्वे ने देखिए क्या कहा इसके बारे में। इनको, विलियम हार्वे को कहा जाता है फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन का इनको फादर कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने फादर ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, इन्होंने सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन किया बॉडी टेम्परेचर का, बॉडी टेम्परेचर का डेमोन्स्ट्रेशन किया सबसे पहले। और टेम्परेचर से रिलेटेड वर्ड है तो बाइल ब्लैक आएगा, तो इन्होंने बॉडी टेम्परेचर को डेमोन्स्ट्रेशन किया इसका विद बाइल ब्लैक, इस टर्म का यूज करते हैं। उन्होंने कहा हाँ, बॉडी के अंदर एक बॉडी को नॉर्मल रखने के लिए टेम्परेचर मेंटेन रहना जरूरी है। अब टेम्परेचर मेंटेन रहना जरूरी है, और बाद में इन्होंने ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथीसिस थी इसको इन्होंने डिस्प्रूव ह्यूमर हाइपो, गुड ह्यूमर हाइपोथीसिस, गुड ह्यूमर हाइपोथीसिस को इन्होंने डिस्प्रूव किया बाद में जा करके। फिर आगे इनिशियली जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट होता गया तो मेडिकल साइंस में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट बाद में जा करके जो बायोलॉजी है, थर्ड स्टेप में बात करते हैं लेटर, इसके बाद क्या हुआ। लेटर बायोलॉजी स्टेट्स, बाद में कहा गया कि बायोलॉजी क्या देती है, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सब क्या है। तो जो बायोलॉजी स्टेट, इसमें कहा गया दैट माइंड स्टेट्स, दैट माइंड, देखिए क्या बात आई सामने, दैट माइंड जो है, माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रो, अब आगे जो थोड़ा सा अपन बाद में जाकर के तो डिस्कवरी होती गई, तो धीरे धीरे अपने को मेडिकल साइंस में और ज़्यादा नॉलेज बढ़ता गया। माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रो, अब देखिए थ्रो अपनी बॉडी के अंदर, एक तो नर्वस सिस्टम है, NS शॉर्ट में लिखते हैं नर्वस सिस्टम, एंड अदर इंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों के बारे में अपन थोड़ा डिटेल और बाद में बात करेंगे, देखेंगे कि जैसे नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम प्लस इंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों को बोथ आर इंटीग्रेटिंग सिस्टम, ये अपनी बॉडी के इंटीग्रेटिंग सिस्टम है जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। मीन्स बॉडी का जो पूरा कंट्रोल है, फास्ट कंट्रोल बाय द
फास्ट कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम एंड स्लो कंट्रोल बाय द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में इन्वॉल्व होता है हार्मोन और इसमें इन्वॉल्व होता है इम्पल्स। इस तरह से बॉडी को बैलेंस किया गया। नेक्स्ट, अब दूसरे पार्ट में देखिए क्या हुआ। इसके बाद में कहा गया इसी में बायोलॉजी स्टेट में कि ये तो जो माइंड है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं नर्वस एंडो। इसके अलावा बॉडी को हेल्थ रखने के लिए एक और सिस्टम है इम्यून सिस्टम। बॉडी की जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी प्रोवाइड हेल्थ। इम्यूनिटी बॉडी को क्या देती है? बॉडी के अंदर एक और सिस्टम है इम्यून सिस्टम जो हेल्थ रखता है बॉडी को, उसको हेल्दी रखता है। तो हेल्थ का रिलेशन बाद में किसी अलग सिस्टम से जुड़ गया, इम्यून सिस्टम से। चलिए इम्यून सिस्टम की आगे बात करेंगे। इस वाले चैप्टर में तो अपन इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब यहां पर फोर्थ स्टेप पे बात करते हैं। तो ये जो हेल्थ है, हेल्थ को लेके बात सामने आई। व्हाट डू मीन हेल्थ? हेल्थ एक्चुअल में क्या है? तो इसको हेल्थ को देखिए क्या कहा गया। हेल्थ मीन्स ये नहीं है कि कोई पर्सन फिजिकली है, फिजिकली स्ट्रांग है या फिजिकली फिट है। दैट इज नॉट कंप्लीट हेल्थ। कंप्लीट हेल्थ की जो डेफिनेशन दी गई अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए क्या बोलता है, क्या डिफाइन करता है हेल्थ को। तो जो हेल्थ है स्टेट ऑफ कंप्लीट, इन्होंने क्या कहा, ये एक्चुअल में हेल्थ देखिए अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली उसको कोई डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। दूसरा मेंटली उसे कोई सिकनेस नहीं होनी चाहिए, कोई डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। एंड सोशली, तो मेंटली फिजिकली एंड सोशली वेल बीइंग पर्सन। अब यहां क्वेश्चन उठा कि जो पर्सन इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल होगा, वेल बीइंग होगा, इस वेल बीइंग पर्सन को ही क्या कहा जाता है, हेल्थ। तो WHO के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ है। इसको शॉर्ट में थोड़ा सा याद रखें। अब हेल्थ के बाद में देखिए, अब इस हेल्थ में कोई डेफिशिएंसी आ जाए, एडवर्स इफेक्ट आ जाए उस पर, एडवर्स इफेक्ट आए मींस एडवर्सली अफेक्टेड हो। देखिए यहाँ पर ये बॉडी है और इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम काम करते हैं, ऑर्गन काम करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट इसमें अपन देखते हैं डिजीज क्या होती है। अपना टॉपिक का नाम ही है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इंट्रोडक्शन था, इनिशियल इंट्रोडक्शन। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का मतलब देखिए, कोई भी बॉडी का जो ऑर्गन है मींस फंक्शनिंग, बॉडी के अंदर जो फंक्शन हो रहा है, फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन, वन ऑर्गन की बात कर सकते हैं, कोई एक ऑर्गन फंक्शन कर रहा है और मोर देन वन ऑर्गन और सिस्टम की बात कर सकते हैं। ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टम। ये जो सिस्टम है मीन्स ऑर्गन हुआ, एक ऑर्गन हुआ या मोर देन वन ऑर्गन हुए या सिस्टम हुए, ये एडवर्सली अफेक्टेड। इन पर ऐसा अफेक्ट हुआ कि इनकी जो फंक्शनिंग है वो कम हो गई, एडवर्सली अफेक्टेड हुआ। तो ऐसे में उसको क्या कहा जाएगा, डिजीज। बाद में इन डिजीज को दो ग्रुप में बांट दिया गया, बल्कि इनको अपन बहुत सारे ग्रुप में बांट सकते हैं, जैसे
इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस डिसीज को ही बोलते हैं कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब ये पर्सन टू पर्सन फैलती है। दूसरा दूसरा इसमें नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल। अब इनके बारे में अपन देख सकते हैं, आगे देखेंगे कि जो डिजीज है इस डिजीज को यहाँ पर दो ग्रुप में बांटा गया। वो डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो जाती हैं, कांटेक्ट में आने से हो जाती हैं, जैसे इस समय अपन देखते हैं कोरोना वायरस है, इन्फेक्शन फैल रहा है, कम्युनिकेबल है। बहुत सारी डिजीज हैं इसमें अपन देख सकते हैं, एड्स, टीबी, बहुत सारी अदर डिजीजेज हैं, कोरोना, कोविड 19। नॉन कम्युनिकेबल जो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती, जैसे कैंसर, जिस पर्सन को कैंसर है तो अदर को नहीं होगा उसके कांटेक्ट में रहने पर भी। तो इस तरह के बहुत सारी डिजीजेज अपन देखेंगे बॉडी के अंदर। अब ये जो डिजीज है, डिजीज के बाद में दूसरा टर्म इसमें आता है कि अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म क्या हो सकते हैं, डिजीज से रिलेटेड अदर टर्म क्या हो सकते हैं, टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं अपन। तो देखिए यहां पर देख सकते हैं अपन, ठीक है, टर्म रिलेटेड विद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इन टर्म्स में देखिए क्या क्या है। नंबर वन, पहला टर्म है जैसे एंटीजन, एंटीजन को ही बोलते हैं एग्लूटेनोजन। जन वर्ड आए तो समझ ले जा एंटीजन है। ये क्या है एंटीजन? ये कोई पैथोजन हो सकता है या डिजीज कॉजिंग एजेंट कहते हैं अपन जिसको। तो डिजीज कॉजिंग एजेंट मींस पैथोजन, पैथोजन विच प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। अब आप देखिए बॉडी के अंदर कोई पैथोजन जाता है तो उस पैथोजन के अगेंस्ट बॉडी अपने आप को बचाने के लिए क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीजन। मींस एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स ऑफ एंटीजन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा, एंटीबॉडी क्या होता है, इसमें एंटीबॉडी वर्ड आया, तो एंटीबॉडी और एग्लूटेनिन, एंटीबॉडी को एग्लूटेनिन भी बोलते हैं और इसको सिंबल देते हैं आईजी। एंटीबॉडी का सिंबल होता है आईजी। ये एक्चुअल में देखिए इस सोलबिल इन प्लाज्मा, सोलबिल इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर है, सोलबिल फॉर्म में होते हैं और स्पेशली ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन, ये कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं एक्चुअल में। ये टर्म है, इनके बारे में अपन आगे डिटेल वन बाई वन देखेंगे, इंट्रोडक्शन में पहले आप इतना थोड़ा समझ लीजिए। थर्ड, अच्छा एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ है आपके एग्जाम में नीट में, इम्यून रेस्पॉन्स इज ड्यू टू, आंसर एंटीजन या एंटीबॉडी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्लियर होगा, मीन्स एंटीबॉडी आईजी जो इम्यून एंटीबॉडीज है ये किसके रेस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती हैं। आईजी प्रोड्यूसेस इन रेस्पॉन्स ऑफ एंटीजन के रेस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती हैं। तो इम्यून रिस्पॉन्स जो आता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज ड्यू टू एंटीजन। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। थर्ड इसमें आता है एग्लूटेनेशन का मतलब है कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी है
इनका जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, इनका जो रिएक्शन होता है, और इसके रिएक्शन की जो स्टडी है दिस इज कॉल्ड सीरोलॉजी। तो सीरोलॉजी मीन्स क्या हुआ, स्टडी ऑफ रिएक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, इसको अपन नाम देते हैं सीरोलॉजिकल स्टडी। यहीं पर सीरोलॉजिकल स्टडी के साथ साथ में अब यहाँ एक टर्म और देते हैं, सीरम। सीरम का मतलब होता है, देखिए सीरम वर्ड क्या होता है, सीरम एक्चुअल में लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड आफ्टर कोएगुलेशन, बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसका कोएगुलेशन करने के बाद जो रिमेनिंग लिक्विड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सीरम। और उस सीरम में क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडी। तो सीरम जो होता है ना वो जनरली अपन क्या करते हैं, किसी एनिमल में एंटीजन इंट्रोड्यूस कराया तो उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, उस एंटीबॉडी को निकालना है तो वो एंटीबॉडी किसके साथ अपन रिमूव करते हैं, सीरम कोएगुलेट करने के बाद ब्लड को। तो सीरम एक्चुअल में क्या होता है, ये एक्चुअल में लिक्विड पार्ट होता है और इसमें कंटेन एंटीबॉडी। अभी थोड़ा सा इसके बारे में इतना ही देखिए। अब इसमें जो टर्म है, एंटीजन हुआ, एंटीबॉडी हुआ, एग्लूटिनोजन हुआ और एग्लूटिनिन हुआ। अब दूसरा जिसमें, अच्छा सीरम में क्या प्रेजेंट होंगे, एंटीबॉडी। अब वर्ड यूज किया जाए एंटी सीरम, एग्जाम्पल जैसे एंटी टिटेनस सीरम, ATS एंटी टिटेनस सीरम, इसका मतलब है इसमें एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट है, किस पैथोजन के लिए, टिटेनस के लिए, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। डिटेल स्टडीड अबाउट नेक्स्ट लेक्चर, दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन। दूसरा अब इसमें देखिए, अपन देखें तो विलियम हार्वे ये साइंटिस्ट आ गए, इसके अलावा अदर साइंटिस्ट में बात करते हैं इसी से रिलेटेड, कुछ और साइंटिस्ट हैं जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया इन मेडिकल साइंस में, डिजीज और इम्यूनिटी से रिलेटेड इन्होंने क्या अपना योगदान दिया, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसके इनके बारे में अपन जानते हैं, सबसे पहले इन्होंने देखिए क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर लाइसोजाइम एंजाइम को डिस्कवर किया इन्होंने। एक तो लाइसोजाइम एंजाइम, देखिए जो अपनी टीयर है, टीयर सीक्रीशन है, सलाइवा है, इसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होता है, और ये एंजाइम कैसा होता है, बैक्टीरिया किलिंग एंजाइम होता है, बैक्टीरिया को किल करने वाला एंजाइम है। दूसरा इन्होंने सबसे पहला जो एंटीबायोटिक मींस एंटीबायोटिक सब्सटेंस, सेकंड इनकी डिस्कवरी थी एंटीबायोटिक सब्सटेंस, ये इन्होंने डिस्कवर किया था और ये था अपना पेनिसिलियम, और इसको डिस्कवर किया था एक मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। तो फर्स्ट डिस्कवर द पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम को इन्होंने डिस्कवर किया एंटीबायोटिक सब्सटेंस, और ये किससे मिला, एक मोल्ड फफूंद फंगस पेनिसिलियम नोटेटम। थोड़ा सा याद रखें, पेनिसिलियम नोटेटम से एक फंगस को इन्होंने डिस्कवर किया था। अगले एक साइंटिस्ट और हैं, एडवर्ड जेनर का क्या कंट्रीब्यूशन था इन दिस चैप्टर इन मेडिकल साइंस। तो इनको पायनियर ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन,
पायनियर ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, और ये वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन माना जाता है इसको, वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन। वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन किसे कहा जाता है? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को। और इस बेस पर एडवर्ड जेनर को इस बेस पर फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी या फादर ऑफ इम्यून सिस्टम इम्यूनोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इम्यूनिटी इज इक्वल टू एडवर्ड जेनर, इसे याद रखें। एक साइंटिस्ट और हैं एट, इन्होंने डिस्कवर किया था मॉडर्न स्टेथोस्कोप, रेने लिनेक। इन्होंने क्या डिस्कवर किया देखिए, इन्होंने डिस्कवर मॉडर्न स्टेथोस्कोप। मॉडर्न स्टेथोस्कोप यही तो तुम्हारी पहचान बनेगा ना डॉक्टर, अरे जिसको आलापन कहते हैं, ये तुम्हारा सिंबल होता है गले में, यदि आला लटका हुआ तो समझ लो पक्का 100% बंदा डॉक्टर है। तो इसको डिस्कवर किया था किसने? ये रेने लेनी ने। बट अब आप देखिए इस चैप्टर का ये जो लेक्चर है, दिस इज ओनली अबाउट इंट्रोडक्शन, मींस यहाँ पर अपन देखते हैं केवल इंट्रोडक्शन, ठीक। अब इसके बाद वाले पार्ट में अपन देखेंगे कि इम्यूनिटी क्या है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या होता है। ओके okay?